गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम क्लास फोर्थ में ईवीएस के चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने बुक वर्क देख लिया था। आज हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन है आपके। पहला क्वेश्चन है डिफाइन सेंस ऑर्गन, मेंशन देयर नेम, और पेज नंबर है आपका 11। ठीक है, यानी इस चैप्टर में सबसे पहले हम थोड़ा सा रिविजन कर लेंगे। इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, इस चैप्टर में हमने पढ़ा था ऑर्गन्स के बारे में, कि ऑर्गन्स कौन कौन होते हैं, जिसमें ईयर, आईज, नोज, स्किन एंड टंग, ये सब पढ़ा था हमने। और इन ऑर्गन्स का क्या काम होता है, क्या वर्क करते हैं हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारी बॉडी भी क्या एक मशीन की तरह है। और जैसे मशीन में कई सारे पार्ट होते हैं, ऐसे हमारी बॉडी में भी कई सारे पार्ट होते हैं, जिसको हम सेंस ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे कि इसमें नाम आते हैं ईयर्स, आईज, नोज, टंग और स्किन, और इनके सबके फंक्शन अलग अलग होते हैं, और इनकी आपको प्रिकॉशन भी प्रॉपर करनी है, क्योंकि अगर आपकी प्रिकॉशन नहीं रखेंगे या आपकी केयर नहीं करेंगे तो ये डैमेज हो सकते हैं। और अगर आपका कोई भी सेंस ऑर्गन डैमेज हो जाता है तो वो आपकी काफ़ी दिक्कत देगा, इसमें आप फिर आप हैंडीकैप की श्रेणी में आ जाते हैं। फिर हमने इसमें डिस्कस किया था कि जो हैंडीकैप लोग होते हैं, जो हमारी तरह नहीं है, जिसके अंदर कोई भी कमी होती है, जैसे कि कुछ लोग होते हैं जो सुन नहीं सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बोल नहीं सकते हैं, या कुछ लोग हैं जो चल नहीं सकते हैं, ठीक है, तो वो सब क्या होते हैं, हैंडीकैप फिजिकल डिसेबल होते हैं, यानी उनमें कमियाँ होती हैं, और वो लोग, उनको कोई भी सिंपत्ति नहीं चाहिए होती है, वो लोग अपनी ही इसी प्रॉब्लम के साथ ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, तो उनके साथ किस तरीके का ट्रीट करना चाहिए, किस तरीके का बिहेव करना चाहिए, वो सब हमने देखा था, ठीक है। और फिर इसमें हमने पढ़ा था कि हमें हमारी बॉडी को रेगुलर फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए, हमें जैसे कि हमने बताया था कि रेगुलर बॉडी को फिट रखने के लिए हमें प्रॉपर एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, जिससे हमारी क्या बॉडी फिट रहती है और हम मेंटली भी फिट रहते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था, इस चैप्टर में डिस्कस किया था। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे पेज नंबर 11 से। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन सेंस ऑर्गन्स एंड मेंशन देयर नेम। आपके बुक में ही आपको स्पेस दे रखा है, यहाँ पर भी नोट डाउन कर सकते हैं। पहले तो आपको बताना है कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं और इनके नाम आपको मेंशन करने हैं। तो इसमें आप लिखेंगे पहला आंसर, the object. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला कि डिफाइन सेंस ऑर्गन क्या होते हैं और इनके नाम आपको मेंशन करने थे। तो इसका आंसर कि इन होम ह्यूमन बॉडी देर आर सम सेंस ऑर्गन, क्या इंसान शरीर में कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, विच हेल्प अस टू हियर, सुनने में, सी देखने में, स्मेल सूंघने में, टेस्ट करने में एंड फील करने में, ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने में, स्मेल करने में, टेस्ट करने में और उसको फील करने में। और दीज कॉम्पोनेंट्स आर, और ये कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं, जिसमें हो गया आपका ईयर, आईज, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, व्हाट स्टेप शुड वी टेक टू प्रोटेक्ट ईयर्स, यानी हमें
ईयर्स को प्रोटेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए वो देखेंगे। आंसर टू, पहले हम लिखेंगे प्रिकॉशन, तो पहला है ठीक है। तो क्या क्या सावधानी है आपको अपनी ईयर की प्रोटेक्शन के लिए, पहला है वन मस्ट नॉट बी हिट ऑन द ईयर्स, आपको ध्यान रखना है कि आपको ईयर्स पे कोई भी हिट ना करे, और सेकंड आउटर पोर्शन शुड टू बी क्लीन रेगुलरली विद अ टॉवल, यानी आपके जो कान का बाहर का हिस्सा है उसको आपको प्रॉपर साफ करना है टॉवल से, एंड सेकेंड इज थर्ड वन इज सॉरी हार्श एंड स्ट्रिल साउंड मस्ट बी अवॉइड, यानी आपको ज़्यादा तेज साउंड या जो साउंड आपके कानों में चुभता है उसमें हैवी साउंड तो आपको नहीं सुनना है, उसको अवॉइड करना है। एंड फॉर दिस पॉइंटेड ऑब्जेक्ट शुड नॉट बी इंसर्टेड, यानी आपको अपने कान के अंदर कोई भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट जो जैसे कि कोई शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, नुकीला ऑब्जेक्ट हो गया, वो आपको कान के अंदर नहीं डालना है, क्योंकि ऐसा करने से आपका कान का जो पर्दा होता है वो डैमेज हो सकता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर टू का आंसर, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। हाउ शुड वन बिहेव विद फिजिकली हैंडीकैप पीपल, यानी अगर आपको कोई फिजिकली हैंडीकैप जिसमें कुछ डिसेबिलिटीज है तो ऐसे लोगों के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए उसमें लिखेंगे आप, सच पर्सन डिजर्व
ठीक है, तो क्वेश्चन था कि जो हैंडीकैप पीपल होते हैं उनको उनके साथ कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए, कैसा बिहेवियर रखना चाहिए। उसमें कि सच पर्सन डिजर्व इंकरेजमेंट एंड कोऑपरेशन बट नॉट सिंपथी। ऐसे लोगों को कोई सिंपथी नहीं चाहिए होती आपकी, बस आपका कोऑपरेशन चाहिए होता है, आपकी कहते हैं अटेंशन चाहिए होती है आपको, उनकी उनको आपकी कोई सिंपथी नहीं चाहिए होती है। सेकेंड है ट्रीट देम फ्रेंडली, उनके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए एंड बाय अंडरस्टैंडिंग देयर सेंटीमेंट, यानी उनको उनकी बातों को समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार रखना चाहिए। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर थर्ड। आगे क्वेश्चन नंबर फोर कि व्हाट शुड वन डू टू कीप बॉडी फिट एंड हेल्दी, कि हमें अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसका लिखेंगे आंसर नंबर फोर, लास्ट क्वेश्चन है ये। यानी ह्यूमन बॉडी को फिट और हेल्दी रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि इंसान का जो शरीर है ह्यूमन बॉडी है वो आपकी एकदम फिट रहेगी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर टू कंप्लीट हो गया है, चैप्टर नंबर वन भी कंप्लीट हो चुका है, टू भी हो चुका है, बट अभी तक किसी ने भी स्कूल में आपको नोटबुक सबमिट नहीं कराई है, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सबमिट कराएं ताकि मुझे भी पता लगे कि आप लोग कर भी रहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट के अलावा भी जो भी सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में भी आपको होमवर्क दिया जा रहा है उसको आप प्रॉपर स्कूल में आके चेक कराएं। तो जो बुक मंगाए जैसे फिल इन द ब्लैंक्स हो गया और टिक द ग्रेट ऑप्शन, वो तो आपको बुक में करने हैं, वो आपको नोटबुक में नहीं करने, नोटबुक में सिर्फ आपको जो रिटर्न वर्क है जिसमें आप क्वेश्चन आंसर हो गए वो सब आपको लिखने हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर टू कम्प्लीट हो गया, बाकी आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर थ्री के साथ, जो भी चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तो अगर बुक नहीं है तो फटाफट बुक परचेज कर लीजिए ताकि आगे आपको दिक्कत न आए। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर थर्ड के साथ। थैंक यू।